हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल अमिता की किचन से फ्रेंड्स आज मैं सांभर की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको मैं कुकर में बनाऊंगी पहले मैं सांभर की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ पर अब की बार झटपट बनने वाला सांभर कुकर में कैसे बनता है और अगर आपके पास सब्जियाँ भी नहीं है तो कोई बात नहीं अगर एक भी सब्जी आप तब भी फटाफट ये सांभर बना पाएंगे सिर्फ मेरे पास लोग ही है तो मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से एक सब्ज़ी डालकर आप सांभर बना सकते हैं अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई बात नहीं प्याज और टमाटर डालकर भी आप इस सांभर को झटपट बना सकते हैं तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं प्रेशर कुकर में सांभर बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्रेशर कुकर लेना होगा उसमें हम दो से तीन बड़े चम्मच सरसों का तेल ऐड कर देंगे जब सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाए सरसों के तेल में से धुआं उठने लगे तब हम इसमें आधा चम्मच के करीब सरसों और दो सूखी लाल मिर्च और थोड़ी सी मेथी ऐड करेंगे मेथी से टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है सांभर के अंदर और एक पिंच के करीब या फिर दो पिंच के करीब आप इसमें हींग ऐड कर दीजिए गैस का फ्लेम आप मीडियम कर दें अब इसमें स्लाइस में कटे हुए मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे अगर दो मीडियम साइज़ के हैं आपके पास नहीं तो एक लार्ज साइज़ का आप बड़ा प्याज भी ले सकते हैं मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं इसमें डाल दीजिए आप पाँच से छः करी पत्ता क्योंकि सांभर में करी पत्ते का यूज़ होता ही है तो वो आप ऐड कर दीजिए और इन प्याज को मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन कलर कर लेंगे अब देखिए हमारे यहाँ पर प्याज़ जो है गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं अब यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे अगर आप एक ले रहे हैं तो बड़ा साइज़ का एक टमाटर ले लीजिए मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको रफली चॉप कर लिया है और यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको ढकेंगे ताकि जो हमारे टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए यहीं पर आप थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं इसमें क्या होगा आप का जो टमाटर है वो जल्दी पक जाएगा मैंने ऐड नहीं किया है तो यहाँ पर देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गया है इनको थोड़ा सा चमचे से हम थोड़ा सा ही इनको मैश करेंगे ज़्यादा नहीं करेंगे तो यहाँ पर एक कटोरी के करीब मेरे पास लौकी है कटी हुई और फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं लौकी को मैंने किस तरीके से कट किया है ना ही ज़्यादा बड़ा साइज़ और ना ही ज़्यादा छोटा साइज़ अगर सांभर में प्याज और टमाटर और ये लौकी दिखेगी तो तभी सांभर का मज़ा आएगा इसमें आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाल दीजिए आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जिससे कलर अच्छा आएगा और डेढ़ या दो चम्मच के करीब आप सांभर पाउडर डाल दीजिए इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं मैंने बनाया हुआ है घर पर सांभर पाउडर अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जी के अंदर ये सभी मसाले फ्रेंड्स इस सांभर के अंदर लौकी प्याज टमाटर दिखने चाहिए इनको ज़्यादा मैश नहीं करना है अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैंने अरहर की दाल ली थी आधा कप के करीब जिसको मैंने तीन से चार घंटे पहले भिगो लिया था अच्छे से फूल गई है और मैंने दाल को बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है कई बार साफ़ पानी में इस दाल को ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे सब्जियों में और मसालों में अब यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसमें पानी ऐड करेंगे तो ढाई कप के करीब मैं पानी ऐड कर रही हूँ और अगर ज़रूरत होगी तो हम बाद में भी पानी ऐड करेंगे क्योंकि अभी सिर्फ हमें इसको पकाना है पानी एडजस्ट हम बाद में भी कर लेंगे इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे पास है ये इमली का पेस्ट आप इमली का पल्प भी डाल सकते हैं इमली को गर्म पानी में भिगो के उसका पल्प निकाल कर भी डाल सकते हैं मैंने दो चम्मच के करीब यहाँ पर इमली पेस्ट लिया है आप ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा खट्टा पसंद है और फ्रेंड्स मैंने यहीं पर ही नमक ऐड किया है वो क्लिप मेरी मिस हो गई है तो मैंने नमक भी ऐड कर दिया है अच्छे से मिक्स कर दिया और अब इस कुकर को हम बंद कर देंगे और दो सीटी लगाएंगे हाई फ्लेम पर दो सीटी आ जाने के बाद प्रेशर कुकर का जो प्रेशर रिलीज है अच्छे से रिलीज़ हो जाए तभी आप इस कुकर को खोलिएगा तो यहाँ पर देखिए कलर कितना बढ़िया आया है कश्मीरी लाल मिर्च का हमने जो यूज़ किया है आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर सकते है अगर इससे ज़्यादा आपको कलर चाहिए अब यहाँ पर देखिए दाल हमारी पक चुकी है सब्जी हमारी पक चुकी है एक हाथ में ये जो मथनी है इससे हम दाल को मैश करेंगे तो क्योंकि छींटे पड़ते हैं तो इस तरह से आप कुकर को ढक सकते हैं और हाथों से इस तरीके से आप मैश करिएगा हाथ से ही करिएगा इलेक्ट्रिक ब्लेंड से मत करिएगा क्योंकि दाल थोड़ी थोड़ी हमें दिखनी भी चाहिए तो यहाँ पर इस तरीके से हमें मैश करना है कि दाल ही मैश हो जाए हमारी सब्जी ज़्यादा मैश ना हो एक बार मिक्स कर लेंगे अब यहाँ पर मैं पानी ऐड कर रही हूँ जितना आपको पतला चाहिए और जितना थिक चाहिए अगर आप चावल के साथ ले रहे हैं तो थोड़ा सा पानी आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने एक कप के करीब दोबारे से पानी ऐड किया है मतलब कि मैंने इसमें ढाई कप पानी ऐड किया है थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे अगर आपके पास गुड़ है नहीं तो चीनी भी डाल सकते हैं अब गैस ऑन करेंगे और इसको हम पकाएंगे पाँच से दस मिनट के लिए तो यहाँ पर देखिए हाई फ्लेम पर हमें पकाना है पाँच से दस मिनट हो गई है अब यहाँ पर देखिए अच्छे से हमारा जो सांभर है वो तैयार है अगर आप इसको और मैश करना चाहते हैं अगर आपको दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि सांभर के अंदर आपकी दाल दिखे तो आप और मैच कर सकते हैं तो थोड़ा सा मैंने ठंडा कर लिया है सांबर को सांभर बिल्कुल हमारा तैयार है और यहाँ पर देखिए सांभर की जो कंसिस्टेंसी है आप इससे पतली भी रख सकती है अगर राइस के साथ ले रहे हैं क्योंकि मुझे इडली के साथ चाहिए था तो मेरी जो कंसिस्टेंसी है वो मेरे हिसाब से ठीक है तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इडली की रेसिपी अभी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी फ्रेंड्स अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए मैं फिर से मिलती हूँ नई वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ तब तक लिए के लिए टेक बाय बाय